सो हे गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर एम्पलीफायर, जैसे कि यहाँ पर डुअल चैनल पावर एम्पलीफायर होता है, तो यहाँ पर दोस्तों अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर चैनल वन में हम लगाते हैं बेस या फिर टॉप लगाते हैं, और यहाँ पर चैनल दो जो है, मतलब चैनल टू है, इसको हम रखते हैं ऑफ, मतलब कि बंद, इसमें ना हम टॉप ना फिर बेस या फिर कुछ भी नहीं जलाते हैं, इसका वॉल्यूम जो है इसको जीरो करके रखते हैं, तो एम्पलीफायर में क्या प्रॉब्लम हो सकता है या नहीं हो सकता, तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि यहाँ पर कमेंट बहुत ज़्यादा आता है कि यहां पर एक चैनल में हम बेस चलाएंगे और दूसरे चैनल को ऑफ रखेंगे तो एम्पलीफायर में कोई खराबी या फिर कोई प्रॉब्लम आएगी या नहीं। तो चलिए इसी टॉपिक पर आज हम वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को फटाफट से लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल में नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल में सेट कर लीजिएगा। तो बात आती है यहाँ पर दोस्तों एम्पलीफायर के ऊपर। तो यहाँ पर एम्पलीफायर मैं पहले एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ पर ले लिया है एनएक्स ऑडियो प्रोटोन MT1601 को। यहाँ पर आप देख सकते हैं एम्पलीफायर, क्योंकि आज भी एक कमेंट आया था तो मैंने सोचा कि इसी एम्पलीफायर को ले लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पर कमेंट आया था कि यहाँ पर MT1601 में 1000 वाट का अहूजा का बेस या फिर जो भी आप समझ लेते हैं, तो यहाँ पर 1000 वाट का दो बेस, तो मान लेते हैं यहाँ पर 1000 वाट का दो बेस हम चलाते हैं एक चैनल में और एक चैनल को ऑफ रखते हैं, तो क्या ये मतलब कि प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ दोस्तों, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों चैनल मतलब दो चैनल का एम्पलीफायर है, मतलब कि ये आपका समझिए कि दो एम्पलीफायर है। आप इसको मतलब कि पर चैनल में भी यूज़ कर सकते हैं, चैनल वन को भी यूज़ कर सकते हैं और एक चैनल को बंद कर सकते हैं। कहने का मतलब आप एक चैनल को भी यूज़ कर सकते हैं या फिर दोनों चैनल को भी यूज़ कर सकते हैं, आपका मर्जी, लेकिन यहाँ पर आपका ओम्स मैचिंग होना चाहिए। अगर आप 2 ओम्स में चलाते हैं तो ओम्स मैचिंग करके चलाइए, और 4 ओम्स में चलाते हैं तो ओम्स मैचिंग करके चलाइए, और 8 ओम्स में चलाते हैं तो ओम्स मैचिंग करके चलाइए, और आपका जो है स्पीकर कितने वाटेज का है वो भी आपका मैचिंग होना चाहिए, जो कि लगभग 5 से 10% लगभग कम अगर आप डालते हैं लोड एम्पलीफायर में, तो आपका काफ़ी अच्छा साउंड भी आ जाएगा, एम्पलीफायर भी हीट नहीं होगा, गर्म नहीं होगा और जल्दी ख़राब भी नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 1000 वाट का मान लेते हैं दो बेस हम चलाते हैं तो काफ़ी अच्छा चल जाएगा, और चैनल दो जो है वो बंद रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर आप दूसरे प्रोग्राम या फिर कोई भी प्रोग्राम में आप जाके के आपको जैसे यूज करना है आप वैसे कर सकते हैं, डुअल चैनल मतलब दोनों चैनल भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप बिंदास चलाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बात रही वहीं कि अगर हम यहाँ पर कोई कमेंट करेगा कि हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि चैनल वन वन में भी चला सकते थे, लेकिन मतलब कि एक एक चैनल में एक एक बेस भी चला सकते थे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपका जो MT1601 है, मैं स्पेशली इसी एम्पलीफायर के बारे में बता रहा हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पर अगर हम एक एक बेस चलाते तो यहाँ पर 8 ओम्स में हमें मिलता है 1700 वाट पर चैनल आउटपुट। तो यहाँ पर हम अगर एक एक बेस चलाते तो हो सकता है लंबे मतलब थोड़े बहुत चलाने के बाद स्पीकर जल सकता था, मतलब उसका वॉइस कॉइल जल सकता था। तो यहाँ पर दो स्पीकर एक चैनल में चलाने में सही रहेगा। और वहीं हम बात करते हैं दूसरे एम्पलीफायर में, तो वही आपको देख लेना है कि अगर आपके आपका जो एम्पलीफायर है अगर आपको 8 ओम्स में लगभग 1000 या फिर 1100-1200 दे रहा है, मतलब उस टाइप से अगर स्पीकर आप लगा रहे हैं, जैसे कि स्पीकर और ओम्स के मैचिंग के हिसाब से, जैसे कि मान लेते हैं कि एक एक स्पीकर लगा रहे हैं हम और हमारे पास 4000 वाट का एम्पलीफायर है, तो आप यहाँ पर सिंपली एक एक बेस एक एक चैनल में चलाइए, क्योंकि यहाँ पर आपका लगभग 1000 के आसपास ही आपका आउटपुट देगा। तो यहाँ पर आपका एक एक चैनल में एक एक बेस चलेगा, तो उसी हिसाब से आपको ओम्स मैचिंग देख लेना है कि हमें 4 ओम्स में कितना दे रहा है। तो यहाँ पर 4 ओम्स में आपको MT1601 आपको 2250 वाट का आउटपुट देता है, तो यहाँ पर हम 2000 वाट डालेंगे एक चैनल में, काफ़ी अच्छा आपको बेस मिल जाएगा। या फिर यहाँ पर MT1201 अगर मान लेते हैं MT1201 रहेगा, तो यहाँ पर दोनों चैनल का एम्पलीफायर है, तो यहाँ पर हम एक एक बेस चलाएंगे, क्योंकि इसमें जो है 8 ओम्स में लगभग 1350 वाट का आउटपुट मिलता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, स्पीकर नहीं जलेगा जल्दी, क्योंकि यहाँ पर 1350 वाट का आउटपुट है, हम इसमें 1000 वाट का बेस लगाएंगे तो जल्दी जलेगा नहीं। लेकिन हाँ, यहाँ पर क्लिपिंग तक हम नहीं जाएंगे, जो साउंड है ये लगभग 80 या फिर 85% के आसपास रहेगा, तो क्लिपिंग तक नहीं जाएंगे, कोई भी एम्पलीफायर रहे काफ़ी सेफ तरीके से चलेगा, स्पीकर भी नहीं जलेगा। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल में नए हैं तो नीचे जाकर सब्सक्राइब करिए, और कोई भी सवाल हो या फिर कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे जाकर कमेंट में जरूर बोलिएगा, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही था, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फटाफट से। तो चलिए मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।